सबसे प्यारी चीज मुझे लगी वो है हमारा कस्टम किचन। तो हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है एक और नए एपिसोड में रेंच सिमुलेटर के। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा भाई, क्योंकि यूट्यूब पे हड़कंप मचा हुआ है, रेंच सिमुलेटर का स्टेबल वर्जन लॉन्च हो चुका है और इसमें बहुत सारी अपडेट्स आई हैं। मतलब बहुत सारी तो क्या है गाइस, आपको एक मेन अपडेट बताता हूँ। तो मेन अपडेट ये है कि भाई पहले आप सिर्फ 3 ही फट्टे उठा सकते थे और अब आप 8 फट्टे उठा सकते हो, मतलब 8 प्लैंक उठा सकते हो भाई। ये चीज़ बहुत सही है यार, मतलब इससे लाइफ थोड़ा इजी हो गया है सिमुलेटर का। चलो गाइस, जैसे कि भाई आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा, हमने अपना बान हाउस एडजस्ट कर दिया था, अपना बड़े वाला घर बना लिया था। रेंच सिमुलेटर का अभी तक का सबसे बड़ा घर है गाइस ये, और यहाँ पे भाई मैंने अपना कस्टम किचन बना लिया है। मतलब अब भाई मैं घर के अंदर जाके काम नहीं करूँगा यार, क्योंकि घर में पता क्या होता है, जाके अंदर मुझे दरवाजा खोलो, फिर किचन में जाओ, सॉसेसेस बनाओ, फिर उनको स्टोर रूम में जाके लटकाओ, सुखाओ। अब यार ये झंझट मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, मैंने पूरा किचन ही बाहर की तरफ बना दिया है। और यहाँ पे गाइस देख रहे हो आप, मेरे पास 4 ब्लू मोल्ड चीज़ है भाई, और इनसे बहुत सारा चीज़ बनने वाला है। और मेरे पास 5 बाल्टी है टोटल लगा करके, और मेरे पास 3 कुकर है, 3 स्टोव है, 1 ग्राइंडर और 1 सोसर मेकिंग है। और गाइज मैं ये ऑटोमेटिक सोसर मेकिंग वाला भी लेके आ गया हूँ भाई, इससे मतलब ऑटोमेटिक सोसेस बनेंगी। और उसके अलावा गाइज इस चीज़ों को हम थोड़ा सा कस्टम करने वाले, और हाँ मैंने यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी लगाई है, मैं ये लाइट्स जला देता हूँ। ये जब आप गेम को स्टार्ट करते हो ना रेंच सिमुलेटर को, तो ये आपको सिर्फ एक ही बार जलानी होती है, फिर ये जली ही रहती हैं, मतलब फिर ये बुझती नहीं है। जब आप गेम रीस्टार्ट करते हो तभी ये बुझती हैं। तो रात को गाइस ये लाइटें बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और उसके अलावा गाइस मैं थोड़ा बहुत आयरन वगैरह खरीद के लेके आया था, मतलब 100-150 आयरन लेके आया था, और उसके अलावा बहुत सारा सीमेंट वीमेंट और पेंट वगैरह लेकर के आया था भाई। और भाई इसमें पोर्क वगैरह पड़ा हुआ है जो कि मैंने बेचा नहीं है अभी तक, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं बहुत सारी रेसिपीज, मतलब आज हम रेसिपीज पे काम करने वाले हैं। और अगर आप मैं पैसे दिखाऊं तो भाई ओनली 36 डॉलर है मेरे पास, जिससे कि भाई मैं इनके लिए फूड भी नहीं खरीद सकता हूं। मतलब क्या ही बताऊं भाई, जिंदगी बिल्कुल बेहाल हो रखी है बेचारों की। और हाँ मैंने जितने भी गेट थे ना फेंसेस के, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर कर दिया, क्योंकि यार ये फैंस के गेट और ये फैंस है ना ऑलमोस्ट एक जैसे लगते थे यार, तो इनको ना बहुत दिक्कत होती थी ढूंढने में कि भाई गेट कौन सा है। तो अभी मैंने ब्लैक कलर के कर दिए गेट, तो अभी बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है मुझे इनको देखने में। और हाँ अभी अभी पिगी ने बच्चे दिए, क्योंकि यहाँ पे हार्ट की मेरे को पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो हार्ट के पार्टिकल आ रहे हैं भाई, देख रहे हो, मतलब या तो ये बच्चे बड़े हो रहे हैं या फिर भाई पिगीज और भी बच्चे देने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पानी भी ठीक है और भाई खाना भी ठीक है सभी में। उसके अलावा गाइज हमारे पास बहुत सारे पिगी हो गए हैं। और गाइज अभी अपडेट वर्जन में क्या आया है ना, कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पिगी और बहुत ज़्यादा चिकन हो जाते थे ना, तो ये गेम बहुत ज़्यादा लैग करती थी, तो वो थोड़ा सा फिक्स किया है, ज़्यादा फिक्स नहीं किया, बहुत ही कम फिक्स किया है, बाकी तो अपडेट में कुछ नहीं आया भाई इतना ज़्यादा। चलो गाइज मुर्गी के दड़बे के अंदर चलते हैं। ओके गाइज यहाँ पे तो भर भर के बहुत सारे अंडे हैं, पहले हम यहाँ पे भी नहीं आ सकते थे अपडेट से पहले, अभी हम यहाँ पे भी आ सकते हैं अपडेट के बाद, मतलब मैं अंदर तक बैठ सकता हूँ, अब मैं आराम से यहाँ से उठा सकता हूँ जो मुझे उठाना है। फिलहाल मैं यहाँ से थोड़ी टट्टियाँ साफ कर देता हूँ भाई इन मुर्गों की, मतलब टट्टी नहीं बोलेंगे, टट्टी तो सुअर करते हैं, इनको हम बीट बोलेंगे, मुर्गे बीट करते हैं। चलो गाइज मैंने थोड़ी बहुत इनकी पोटी साफ कर दी है भाई, और यहाँ पे गाइज मेरे पास आप अंडे देख रहे हो, होली क्रैप गाइज, मतलब मेरे पास इतने ज़्यादा अंडे हो चुके हैं भाई, ये एक रिकॉर्ड होने वाला है अंडों का वैसे देखा जाए तो। और हाँ यार इस मुर्गी के दड़बे में आने पे मेरे FPS कम हो जाते हैं, चलो ठीक है यार जो भी है। तो ये कुल मिलाकर के हमारा रेंच है गाइस, मतलब हमारा खेत है, जिससे कि गाइस अब हमारा बिजनेस जो है भाई पूरी तरक्की पे है, मतलब बहुत जोरों शोरों में हमारा बिजनेस चलने वाला है। फिलहाल गाइस मैं थोड़ा पेंट लेकर के आया था, तो भाई मैं थोड़ा पेंट कर लेता हूँ। तो फिलहाल गाइस मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो फैंस हैं ये मैं वाइट कलर की करने वाला हूँ भाई, तो चलो भाई इन फेंस को वाइट कलर का कर देते हैं, और गेट ब्लैक कलर के रहेंगे, फेंस वाइट कलर की रहेगी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है गाइस, थोड़ा कलरफुल लगना चाहिए भाई हमारा जो रेंच है। ओके गाइस तो हमारे पूरे फेंस पे गाइस वाइट कलर का पेंट हो चुका है, और ये बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। और हमारे पास थोड़ा बहुत पेंट बच भी गया, मतलब हमारे पास 9 वाइट पेंट बच भी गया है भाई, मैं ये वॉल भी वाइट कर देता हूँ, अच्छी लगेगी। चलो गाइस अभी मैं पेंट करने वाला हूँ भाई अपने इसको, यानी कि हमारे किचन को, तो चलो किचन को पेंट कर देते हैं। मैं इसका जो फ्लोर है वो थोड़ा सा, चलो मैं इसका वॉल पेंट करता हूँ सबसे पहले, तो भाई
ये कुछ स्काई ब्लू टाइप पेंट मैंने बनाया है, तो मैं ये स्टेयर्स, मुझे स्टेयर्स ब्लैक कलर की देनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं फ्लोर को गाइस पेंट नहीं करने वाला भाई, क्योंकि फ्लोर हमारा कोई और कलर का करूँगा मैं, जैसे ग्रे कलर या फिर भाई कोई और कलर लेके आएंगे हम, उससे करेंगे हम। ठीक है भाई, फिलहाल तो गाइज देखो मेरे पास पैसे नहीं है, ओनली $36 है, और जल्दी ही गाइज मुझे खाना डालने की ज़रूरत पड़ने वाली है अपने एनिमल्स को। फिलहाल पानी तो डाल ही देता हूँ मैं, क्योंकि पानी तो भाई फ्री है। तो मैंने यहाँ पे गाइज 3 डब्बे पोर्क के लेके आ गया हूँ। अब भाई इनसे थोड़ा सा मैं ग्राइंड वगैरह करता हूँ और सॉसेसेस वगैरह बना लेते हैं, चलो। और हाँ, मुझे अंडे भी लेके आने पड़ेंगे भाई, क्योंकि अंडे डालने से ना थोड़ा भाव बढ़ जाता है रेसिपीज़ का, मैं जितने भी मीट बॉल वगैरह जो भी बनाऊंगा। ये देखो गाइस, रात होती जा रही है और भाई ये मतलब ये लाइट बहुत औसम लग रही है भाई। ये देख रहे हो गाइस, बान हाउस के अंदर भी मैंने लाइटें लगाई हुई है भाई, मतलब ये एक नंबर की लगती है भाई, बहुत बढ़िया लगती है, शानदार एकदम भाई। लाइटों से ना रेंच एकदम जगमगा जाता है। मैं फैंस पे भी लाइटें लगाने की सोच रहा हूँ, बट फिलहाल अभी लगाई नहीं है मैंने फैंस पे लाइट्स, क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो फिलहाल मैं अंडों को रख देता हूँ यहाँ पे। और गाइस मैं सही चीज़ बताऊँ ना आप लोगों को भाई, ये रेसिपीज़ बनाने का जो मज़ा है ना, वो रात को ही है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि रात को ना सारे के सारे एनिमल है ना सो जाते हैं, और आपको उनकी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब खाना ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया, ये चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है भैया आपको। और यार मैंने एक ट्यूबलाइट और लगा देता हूँ, यहाँ पर रोशनी थोड़ी कम आ रही है, मुझे थोड़ी ज़्यादा रोशनी चाहिए। चलो गाइस, लाइटें लग गई हैं भैया एक्स्ट्रा। फिलहाल गाइस मेरा जो ग्राइंडर है ना, मीट ग्राइंडर, वो ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक खरीद के लेके आऊँगा जब मेरे पास पैसे होंगे, फिलहाल तो मेरे पास यही है भाई। बट मेरे पास सोसर मेकर जो है ना, वो ऑटोमेटिक है। और ये आखिरी मीट बॉल भी मैंने यहाँ पे लगा दिया, नाइस। तो गाइस मैं 3 डब्बे पोर्क के भाई रेसिपी में यूज़ कर चुका हूँ, जिसमें मैंने 2 तरह की रेसिपी बनाई है। एक तो मैंने बनाई है सोसेसिस, और एक बनाई है मैंने मीट बॉल। तो गाइस ये इसके अंदर लग जाएंगी भाई, और ये गाइस ड्राई होती हैं, इनको फर्मेंटेड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और भाई पूरी रात काम कर रहा हूँ, लाइट लगी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है, फुल सच बताऊँ तो मैं। तो गाइस मुझे लगता है मुझे ये अलमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्व करना बहुत आसान है, लेकिन ये थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए होती है इसके लिए, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा और बनाना पड़ेगा ये अलमारी वाला सेक्शन। चलो गाइस मैंने पूरा का पूरा खांचा बना दिया है, बस अब ये अलमारी बनानी बाकी रह गई हैं, और भाई थोड़ा इन पर पेंट करना बाकी रह गया है, क्योंकि नई दीवारें बनाई है तो भाई पेंट तो करना बनता ही है इन पर। फिलहाल गाइस मैं सारी की सारी चीज़ें भाई अपनी गाड़ी में भर लेता हूँ। ये पोर्क है, रो पोर्क है फिलहाल, ये इसका मैंने कुछ बनाया नहीं है, तो इसको बेच करके आएंगे। और मैं ऐसा करता हूँ यार, जाने से पहले ना एक बाल्टी दूध की भर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अभी गायें दूध दे रही होगी, 2 टाइम दूध देती है ना गायें, सुबह और शाम को देती है। कहाँ है गायें, चलो दूध दे रही है ये, क्योंकि भाई मेरे को चीज़ भी बनाना है साथ के साथ, और चीज़ से आप लोगों को पता है भाई, चीज़ से बहुत पैसे मिलते हैं, मीट से भी ज़्यादा मिलते हैं चीज़ से पैसे। मैं साथ के साथ यार दूध की रेसिपी भी बना ही देता हूँ। इसको रखना है स्टॉप पे, अभी चालू नहीं करना था उसको। अच्छा, ये रखते के साथ ही चालू हो जाएगा क्या, यार ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी। तो ये तो भाई सिंपल चीज़ बन गया है, ब्लू मोल्ड चीज़ नहीं बना, क्योंकि ये रखते के साथ ही चालू हो गया। मैंने यार स्टॉप पे कभी बनाया नहीं था ना, तो मेरे को इस चीज़ का आइडिया नहीं था। चलो कोई नहीं यार, सिंपल चीज़ ही बना लिया एक हमने, उठा लेते हैं इसको, रिजर्वेटर में लगा देते हैं और चलते हैं वापस से। और यार गाइज अगर आज पैसे अच्छे हो जाते तो भाई मैं एक नई गाड़ी भी ले लूँगा, अगर बजट बना तो। फिलहाल देखते हैं अपने को रेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। पोर्क सोसेसिस, चिकन सोसेसिस, बीफ सोसेसिस, मतलब आज तो भाई सोसेसिस है, सोसेसिस का रेट मिल रहा है अच्छा खासा, लेकिन मेरे पास सोसेसिस तो हैं घर पे, बट अभी वो बनी नहीं होंगी। तो भाई मेरे को $1500 मिल रहे हैं, ले लेते हैं भाई $1500, यार मिल गए ठीक है। तो गाइस अपने को इजी पीजी $1500 मिल गए हैं, तो अपन थोड़ा सा एक मेटल लेकर के आएंगे वहाँ से, और थोड़े से लोग लेकर के आऊँगा भाई मैं,
क्योंकि यार उनसे प्लैंक बनाएंगे और जो मैंने नए वाले कवर्ड बनाए हैं सॉसेसेस के लिए वो भी तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई अपने को बहुत सारा रेसिपी बनाना है। और जब ये यहाँ पे आ ही गया तो इसको यहीं कहीं बेच देते हैं। ये तो भाई वो वाली बात हो गई, लक्ष्मी घर चल के आ गई खुद ही। तो मैं हार्डवेयर की शॉप पे आ गया हूँ। यहाँ से गाइस मुझे सबसे पहले तो खरीदना होगा मेटल, और उसके अलावा मैं यहाँ से क्या खरीद सकता हूँ जो मेरे काम का हो। ओके, वैसे मुझे यहाँ से और कुछ नहीं खरीदना। वैसे यार मुझे ये इलेक्ट्रिक ग्राइंडर भी खरीदना था, बट ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, वो अभी मैं नहीं खरीद सकता भाई। और अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो एक कलर भी ले लेता हूँ नया। भाई कलर बनाना कितना मुश्किल है यार, एक ही ले लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि एक में 20 आ जाते हैं ना। चलो गाइस, लकड़ वक्कड़ भी मैंने डाल लिए हैं अपनी गाड़ी में, मेटल भी आ गया, कलर भी आ गया, निकलते हैं घर की तरफ। तो गाइस फिलहाल हमारा मशीनों का काम खत्म हो गया है, तो इन मशीनों को हम वापस से साइड में लगा देते हैं यहाँ पे इनकी जगह पे। और इस जेरी कैन को भाई मैं रख देता हूँ यहाँ पे गाड़ी के ऊपर, और ये गेट फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ भाई, क्योंकि कुछ नहीं पता टाइम का भाई, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो फिलहाल गाइस मैंने यहाँ पे लकड़ियाँ तो डाल दी है, अब मैं इनके अंदर डालने वाला हूँ भाई मेटल, और अब ये तैयार होने वाले हैं हमारे कबर्ड। तो लेट्स गो बॉयज, हमारे सारे के सारे कबर्ड रेडी होने वाले हैं। बस गाइज अभी इनके अंदर है ना और भी प्लैंक और थोड़े से मेटल डालना बाकी है, तो ये बाकी के भी कबर्ड तैयार हो जाएंगे। ये तीन ये मैं अभी तैयार नहीं कर रहा हूँ गाइज, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी हो गई है मेरे पास। फिलहाल मैं एक पेंट लेके आया था फ्लोर के लिए, तो यहाँ पे मैं भाई फ्लोर भी कलर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है यार, सच बताऊँ तो बहुत बढ़िया लग रहा है ये। वैसे गाइज मैं चाहूँ तो मैं ये वाली दीवारें भी इस कलर की कर सकता हूँ, क्योंकि यार ये जो ब्लू कलर है ना ये थोड़ा थोड़ा हमारा जो ब्लू प्रिंट है ना इनसे ही मैच हो रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। नाइस, अभी अच्छा लग रहा है भाई, अभी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। नाइस, बाकी बचे हुए कलर को मैं यहाँ रख देता हूँ, और ये वाला भी कलर कर देता हूँ इससे। नाइस, चलो गाइस दूध आ गया है भाई, और रात भी होने वाली है, और अब मेरा काम शुरू होने वाला है भाई, क्योंकि रात को ही मैं रेसिपीज बना सकता हूँ जब सारे के सारे जानवर सो जाते हैं भाई, क्योंकि यार दिन में बनाने में ना बहुत गड़बड़ हो जाती है। खाना भी खिलाओ उनको, देखो भी जाके कोई क्या कर रहा है, कोई भाग तो नहीं गया, तो दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैं इसमें ब्लू मोल्ड मिलाने वाला हूँ भाई, अब मैं गलती नहीं करूँगा, और इस ब्लू मोल्ड वाले में मैं एक अंडा भी मिलाऊँगा भाई, अंडा मिलाने से इसका भाव बढ़ जाता है थोड़ा सा। और अब इसको पका लेते हैं, लेट्स गो। इस तरीके से बनाना था मुझे, पिछली बार मैंने गलती कर दी थी थोड़ा यार, इनको ना स्पेस ज़्यादा देना चाहिए था इसमें, सच बताऊँ तो बहुत कम स्पेस है। चलो गाइस देखते क्या भाव मिल रहा है अपने को पोर्क का। ओ भाई पोर्क का रेट है आज, चिकन मीट बोल कर 20। ओ भाई पोर्क का रेट मिल रहा है गाइस, मजा आ गया भाई। 30 का बिकने वाला पोर्क 51 का बिक रहा है, मैं तो आज भाई बहुत सारे सुअर बेचने वाला हूँ। 4538 हो गए, अभी मैं जाने वाला हूँ घर पे गाइस। आज पोर्क का रेट मिल रहा है अपने को, तो अपने को भाई बहुत सारे पोर्क बेचने पड़ेंगे। मैं साथ के साथ अब आया हूँ तो गाड़ी भी एक खरीद के ही ले लेता हूँ, फिर उसको बाद में उसको ले जाऊँगा घर पे। चलो भाई बात करके आते हैं अंदर गाड़ी वाले से। तो गाइस मैं सच बताऊँ तो मेरी इसमें ड्रीम जो कार है ये पिकअप ट्रक आई थिंक वो यही है गाइस। तो चलो भाई हमने एक बाय कर लिया है, थैंक यू फॉर योर परचेसिंग, योर व्हीकल इज़ वेटिंग फॉर यू। चलो भाई हमारा व्हीकल जो हमारा इंतजार कर रहा है, थैंक यू भाई आपके साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा लगा। तो चलो गाइस देखते हैं अपना पिकअप ट्रक कहाँ पे है। तो ये रहा गाइस अपना पिकअप ट्रक भाई, बहुत ही ज़्यादा औसम लगता है गाइस। बस इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाइड कराना पड़ेगा भाई, और ये काफ़ी बड़ा है भाई, हमारी गाड़ी से तो बड़ा ही है। और इसका स्टोरेज देख रहे हो गाइस पीछे, क्या तगड़ा स्टोरेज है भाई, इसमें तो बहुत सारे डब्बे आ जाएंगे, और इसका कंट्रोलिंग भी बहुत अच्छा है। तो चलो गाइस देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें अपग्रेड कर सकते हैं। तो गाइस मैं इसके अंदर थोड़ा ग्रीन कलर देना चाहता हूँ, क्योंकि यार ग्रीन मेरा फेवरेट है, और मेरे लोगों का कलर भी ग्रीन है। तो भाई ये ऑल एक्सेसरीज के साथ मैं इसको अपग्रेड कर लेता हूँ, $150 लग रहे हैं, ज़्यादा नहीं लगे। तो चलो भाई अपनी गाड़ी बिल्कुल एकदम मस्त टन टन रेडी हो चुकी है, और भाई क्या दिख रही है ये, ऑसम भाई, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया गाइस। चलो भाई हम भाई होटल पे पहुंच गए हैं। बस ये बड़ी गाड़ी भाई हमारे थोड़ा सा दिक्कत करती है यहाँ पे आने में, क्योंकि यार ये काफ़ी बड़ी गाड़ी है भाई। तो चलो सारा सामान बेच देते हैं हम फटाफट, पोर्क जितना भी हमारे पास भाई 1.7 मल्टीप्लाई मिल रहा है, नाइस। ओके गाइस तो 4000 रुपये और हमारे पास बन गए भाई पोर्क के, ऑसम गाइस, बहुत मज़ा आ गया गाइस, बहुत मज़ा आ गया, क्या मस्त लग रही है गाइस ये गाड़ी हमारी किचन के सामने, एकदम बहुत बढ़िया गाइस, एकदम सब कुछ कस्टम है भाई हमारा। चलो गाइस सुबह हो गई है भाई, और मैं सो के उठ चुका हूँ,
फिलहाल मैं यहाँ से गेट बंद कर देता हूँ भाई, इन केस ऑफ इमरजेंसी। मैं नहीं चाहता कि मेरे जानवर एनिमल्स मेरे भाग जाए बाहर। और अब मैं आप लोगों को फाइनल रिजल्ट दिखाने वाला हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया। तो भाई फेंस पे हमने व्हाइट कलर किया और हमारे मुर्गों का प्रोडक्शन देख रहे हो कितना बढ़िया चल रहा है और ये कलर भी अच्छा लग रहा है। और गाइज हमने अपनी गाड़ी पे भी कलर कर लिया भाई और एक नई गाड़ी भी खरीद ली भाई, ओसम गाइज। और इतने सारे पिगी बैंक थे कि भाई हमारे पास $7,000 हो गए हैं, खतरनाक। और उसके अलावा गाइज जो सबसे प्यारी चीज मुझे लगी वो है हमारा कस्टम किचन। तो भाई हमने अपना कस्टम किचन बना लिया है जो कि बहुत ही ज्यादा पैसे कमा के देने वाला है गाइज हमें। और हमारे सोसेसेस और मीट बॉल भी बनके बिल्कुल तैयार है भाई, इनको भी बेच के आएंगे, यानी कि पैसा ही पैसा। तो चलो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, जो नए हो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम ऐसे ही ओसम और बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेकर के आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।